नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7 बार 7 लिखा है का औसत निकालिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है और सात सात बार है। इसका हमें औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत का आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ये होता है औसत का फॉर्मूला। यानी इन सब का योग रख देंगे ऊपर और जिस सब जितने भी संख्याएं होंगी उसका हम भाग कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा औसत निकल आएगा। तो अब कुल योग कैसे निकालेंगे, यहां पर एक था तो हमने एक लिख दिया, दो दो बार था तो दो दो कितना होता है चार, तीन तीन बार था तो तीन और तीन छह और तीन नौ हो जाएगा, चार चार बार था तो चार चुका 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, सात सात बार है, सात का सात बार जब योग करेंगे तो सात गुणे सात कितना होता है 49 आ जाएगा बटे। अब संख्याएं क्या होगी, कितनी होंगी, एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, ऐसे ही मिला के सात सात बार है। ठीक है, तो ए हमने लिख लिया, ऊपर क्या लिखा इन संख्याओं का योग और नीचे लिखा टोटल कितनी संख्याएं हैं। अब यहां पर दो फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। एक होता है एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर, इसके बराबर में होता है एक बटे छ एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन। एक फॉर्मूले की ये जरूरत पड़ेगी और दूसरा पड़ेगा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डॉट 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 एन, इसके बराबर क्या होता है एक बटे दो एन एन प्लस वन। ये दोनों फॉर्मूलों की जरूरत हमें इस प्रश्न में पढ़ने वाली है, इसलिए हमने ये दोनों फॉर्मूले आपको पता दिए हैं। कैसे पड़ेगी, तो यहाँ एक लिखा हुआ है तो एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ चार है चार को हम दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर नौ है नौ को हम तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को हम चार का स्क्वायर लिख सकते हैं और 49 को हम सात का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे एक दो तीन चार और यहाँ पर सात। ठीक है, हमने जो लिखा था उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि इस ये दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। ए वाला फॉर्मूला ऊपर यूज करेंगे, ए वाला फॉर्मूला नीचे यूज करेंगे। ऊपर क्या यूज होगा, एक बटे छ एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन और नीचे एक बटे दो एन एन प्लस वन। हमने ये दोनों फॉर्मूले इसका ऊपर यूज कर लिया, इसका नीचे यूज कर लिया। इसमें कैसे कटेगा, एन से एन कटेगा, एन प्लस वन से एन प्लस वन कटेगा, दो से काटेंगे दो दो तिया छ, क्या बचेगा 2n प्लस वन बटे तीन। एन की वैल्यू कहां तक जा रही थी, सात जा रही थी, यानी n बराबर क्या था सात, तो हम यहां सात रख देंगे, कैसे निकलेगा, क्या था 2n प्लस वन बटे तीन, क्या हो जाएगा 2 × 7 प्लस 1/3, 7 × 2 = 14, 14 में 1 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 15/3, 3 से काट देंगे आंसर निकल के क्या आएगा 5। तो इनका औसत निकल के क्या आया 5। ठीक है, सवाल बहुत ही मजेदार है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को आपको एक दो बार समझना पड़ेगा और एक दो बार लगाना पड़ेगा जब ही यह आपके पल्ले पड़ेगा, और अगर आपके एक बार में पल्ले पड़ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।